अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं बिंडी दरबार पर। ये मेन शाहरा से जो लिंक जा रहा था, बना हुआ था कंक्रीट से, ये इसकी पुली भी उखाड़ दी गई। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है, लोकल गवर्नमेंट के पैसे का ज़िम्मेदार कौन है, आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ लोगों की राय। जी नाज़रीन, पुली आपने देखी, अब हम यहाँ से पैदल कम अज़ कम 1 किलोमीटर सफ़र करके ऊपर जो है बिंडी नक्का पर पहुँचे। तो चिदा चिदा तमाम लोगों से पीछा, हर बंदा जो है ना वो तो कैमरे के सामने नहीं आ सकता, लेकिन ये बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े हैं। तो असल मकसद ये है कि मैं ख़ुद यहाँ चल कर आया, मेरी टीम चल कर आई। हकायक ये है कि 1 हफ़्ता हो चुका है, इसको हाईलाइट किया जा रहा है कि एसी साहब समानी जो है उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं सलमान चौधरी की तरफ से कि उन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी। दोस्तों देखना और सोचना ये है कि जिस तरह का वो शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है, क्योंकि इसने बिंडी मेन शहरा से जो लिंक रोड आता है उसकी पुली उखाड़ी, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट का जो पैसा लगा हुआ है इसको जो है ना उसने ख़राब किया, लोगों का रास्ता बंद किया। ये इतना नडर और जरूरतमंद हो गया है कि वो इल्ज़ाम भी एसी साहब पर लगा रहा है और रास्ता भी उसने बंद किया हुआ है। 40-50 गारें जिसकी 350 आबादी बनती है, तो एक शख्स की वजह से ये सारे लोग मुतासर हुए। मैं एसी साहब की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं आप लोगों से ये सवाल करूंगा कि जिस वक्त वो ये कह रहा है कि एसी साहब कमरे के अंदर बैठे हुए थे, साथ साथ तहसीलदार साहब थे, नायब तहसीलदार साहब थे, तो मैंने 50,000 रुपया दिया, उन्होंने 3 लाख रुपया मांगा, तो इस बात पर आप सोचें कि कोई भी इंतज़ामी अफसर अपने जूनियर के सामने इस तरह की वो डिमांड नहीं कर सकता। चल बहरहाल, वो तो एक कमर्शियल जगह की लालच में आकर उसने ये पुली भी ख़त्म की, इन लोगों का रास्ता बंद किया। तो अब मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब आपसे जो है मुतालबा करता हूँ, अवाम इलाका की तरफ से, अपनी यूथ की तरफ से, कि आप हाकम हैं, कमिश्नर मीरपुर साहब से भी अपील करते हैं, डीसी बिमर साहब से भी अपील करते हैं कि ये खदारा इस तरह जो ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं, इनकी बातों में आकर ये इंतज़ामी अफसर अपना काम भी नहीं सही तरीके से कर सकते। जिस वक्त इन मकामी लोगों ने एप्लीकेशन दी कि हमारी जो है ना रास्ता बंद हो गया, पुली उन्होंने उखाड़ दी है, तो एसी साहब तहसीलदार साहब के साथ अपनी इंतज़ामिया के साथ यहाँ आए, तो उन्होंने मौका देखने के बाद उसको पुली बनाने का कहा। तो वो पुली बनाने के बजाय वो बंदा बिल्कुल जो है वो ब्लैकमेलिंग की तरफ आ गया कि मुझसे पैसे लिए गए। तो ये हकायक, इसमें किसी की तरफदारी नहीं। साफ़ी बरदरी हमारी माशरे का चौथा सतून होता है, साफ़त। तो साफ़ी बरदरी से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप बिल्कुल इसकी तहकीकात करें, आपका हक पर चलना, इन लोगों का जो है ना, ये जो मुतासर लोग हैं इनको जो है ना वो फ़ायदा मिलेगा। अगर हम लोगों ने बिल्कुल जो है ना वो इस तरह इल्ज़ाम तराशी करने वाले लोगों का साथ दिया, तो मेरे ख्याल में ये इन लोगों के साथ ज़्यादती हो जाएगी। तो ये जो सामने आपको टोटल ये गांव नज़र आ रहा है, तो इस गांव के लोगों के साथ जो नानसाफ़ी हो रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी इस लड़ाई और जंग की वजह से जो है ना ये इस बलि चढ़ रहे हैं। तो मैं तमाम जो है कानून बनाने वाले अदारों से गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोग जो हैं मालकीती रकबों से रोडें निकल कर आई हुई हैं, एक रोड बनी हुई उसको उखाड़ कर, तो उस पर जो है इंतज़ामी अफसर पर इस तरह का इल्ज़ाम सरासर गलत है। तो पैदल ये चल कर आए हैं, ये पैदल ही रास्ता है, अभी वो पुली ख़त्म होने की वजह से कोई रास्ता मुड़ पैदल, सब पैदल, बच्चे स्कूल वाले पैदल, बूढ़े पैदल, जवान सब पैदल जा रहे। कितने घर होंगे यहाँ? ये कोई 30-40 घर। चलो अल्लाह ज़ात खैर करा, असं इतने आए हैं ते इसने हकायक सारे तके न, फर्दन फर्दन बंदे को पूछेगा, कुछ लोग ऐसे ने जेड़े वो नहीं मसलन बयान दे सकने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जड़ा कन इसकी जिस तरीके ने उन्होंने बंद की है, देखो सरकारी पैसा लगे उस पुली से लगे ते, और खास कर जड़ा कन इस इलाके में ये इंडिया तो है कोई नहीं कि एक बंदा जड़ा का तुमने सारे मामलात की 35-40 घर जितने भी हैं उन्होंने की मुतासर कर रहे थे। इंशाल्लाह अल्लाह ने जात खैर कर रहा है, इसकी जड़ा कर बेहतर है। इंतजामिया ठीक है, तावन कितना इंतजामिया था, तावन कर इंतजामिया ब्लैकमेल करने नहीं है, नहीं वो ठीक तावन कर रहे, कोई इस तरह ना उन्होंने कोई नहीं ठीक है। इसी साहब भी तहसीलदार साहब
ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਰ ਟਾਊਨ ਕਾ ਕੁਸਾ ਬੰਦੇ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸ਼ਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਛਾ